लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। को लेके आऊंगा, तुम सब यहीं खड़े रहना। जब हम दोनों यहां से निकलेंगे तब मेरी कार को फॉलो करना, समझ गया? दो भाई, दो भाई, लांसर में जाएंगे क्या? अरे सबको इनवाइट किया है क्या? स्टूपिड, टैक्सी से चलो। टैक्सी से? हेलो भाई, फोन। हेलो, कौन बोल रहा है? भाई गुरु बोल रहा हूँ। आपने जैसा बताया था बिल्कुल वैसा ही है, वही पर्सनालिटी, वही हाइट। अभी टैक्सी में बैठकर सिटी की तरफ गया है और उसके साथ उसका पुराना चमचा रिजवान भी है। मेरे होते हुए खलील यहाँ पहुंच गया। मैंगलोर इज अ ब्यूटीफुल सिटी, यहाँ सोना है, ड्रग्स है और लड़कियां भी हैं, रियल एस्टेट है, बिल्डर्स हैं। अगर चाहे तो मुंबई को अंडरवर्ल्ड का अड्डा बना सकते हैं। सच है भाई, पर वो है ना शैतान, वो अशोक नायक, सब उसी को मांगता है। अपुन को किसी भी धंधे में हाथ डालने नहीं देता है। जिस तरह से वो आदमियों को लेकर घुसता है, हमारे आदमी फीके पड़ते हैं। ऐसे रखे हैं आदमी उसने। आज आप यहाँ पर आए हैं ना, तो इस मसले को सुलझाना ही होगा। उसे अगर खलास ना किया तो हम यहाँ पर जी नहीं पाएंगे भाई। और
हेलो अशोक। कौन? खलील। हे हमारे शहर में पैर रखने की तूने हिम्मत कैसे की कुत्ते कहीं के? देख अशोक, मैं अब पिकनिक मनाने नहीं आया हूँ। कोड़ा मेरे हाथ में है। क्या देख रहा है? हैं? चल आगे देख, चल गाड़ी चला, ठोक दूंगा साले, चल तेरी जात का। चल कुछ नहीं, तू चला आराम से, आराम से। भाई गाड़ी रोक, मैं बोल रहा हूँ रोक। यूसुफ खलील अब ये हमारे स्टेट में भी दाखिल हो गया है। दिस इज अ डेंजरस डेवलपमेंट आई से। पता चला है कि मैंगलोर एयरपोर्ट पे सुबह राजा की तरह उतरा है और ये बात मुंबई के कमिश्नर से कंफर्म की जा चुकी है। शेम ऑन अस। सर, यूसुफ खलील के पीछे पूरा इंटरपोल पड़ा है। करीबन 13 देशों की पुलिस दिन रात उसकी तलाश कर रही है सर, और ऐसे में उसका इतने खुलेआम घूमना मुमकिन लगता है क्या आपको सर? मिस्टर नागराज, ऐसा कह के पुलिस डिपार्टमेंट को अंडर एस्टिमेट मत कीजिए। अंडरवर्ल्ड की दुनिया एक पेड़ की तरह है, उसकी शाखें दूर तक फैली हुई होती है। मुंबई के कमिश्नर सुबह से 3 बार फोन करके कंफर्म कर चुके हैं खलील इज इन मैंगलोर। पहले उसे ट्रेस कीजिए, कॉन्टैक्ट द मैंगलोर पुलिस, लेट हिम नॉट एस्केप फ्रॉम हेयर, अंडरस्टैंड? यस सर। सुना मैं ना, मेरा लड़का है तू? हाँ, मैं आप ही का लड़का हूं। इतने दिन बस खाली फोन पर ही बातें, जैसा सोचा था काश वैसा ही हो। खाली सोचने से क्या होता है रे, सोच को सच करना जरूरी है। दुबई में भीड़ बहुत है, वहां हर रोज एक एनकाउंटर होता है। वहाँ हमारे लड़के सेफ नहीं है,
और यहाँ पर तुम आराम फरमा रहे हो? आज तक मुंबई खुशहाल जहाज कहलाता आया है, पर कुछ ही दिनों में यहां मातम होगा। पूरे एशिया के सारे देशों के भाई लोग यहां आएंगे, तब मुंबई में अंडरवर्ल्ड का राज होगा। मतलब? वेरी सिंपल, मुंबई दुबई हो जाएगा। एक बार मुंबई में अंडरवर्ल्ड बस गया तो क्या होगा जानते हो ना? ये धरती खून मांगेगी, ब्लड। इसके लिए तू तैयार रहना। तुझे क्या मांगता है बोल? लोग, रुपए, शार्प शूटर, वेपन्स, ड्रग्स, हेरिंग एक छोड़कर सब भेजूंगा। ए भाई, ये अशोक नाइक है, हमारे आदमियों की डेरिंग देखी क्या? एक बार काम देकर तो देखो। चक 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 चक। दुबई में अंडरवर्ल्ड बोलता है। हाँ, ये मुंबई है, यहाँ पर गन बोलती है। लेकिन वो रिजवान है ना, वो अशोक मियाँ, मेरा हाथ तुम्हारे साथ है और तुम्हारे हाथ के नीचे रिजवान रहेगा और हमारी मुट्ठी में सारा मुंबई। और क्या? हार्बर पुलिस स्टेशन, कंट्रोल कॉलिंग, कंट्रोल कॉलिंग। आप बेझिझक माइक वन के साहब से बात कीजिए, मैसेज ओवर। हेलो आईजी हेयर। सर, दिनेश पुनाशा बोल रहा हूँ। मुझे खलील के बारे में खबर मिली है, मैं उसे अरेस्ट करने जा रहा हूँ। वेरी गुड, थैंक यू सर, आई विल डू इट। बोलिए साहब। मैं जो कह रहा हूँ ध्यान से सुनो, अगर जरा भी गड़बड़ हुई तो मौत तुम्हारे करीब पहुँच जाएगी। खलील मुंबई में है, ये खबर हमारे डिपार्टमेंट को मिल चुकी है और हमें एयरपोर्ट के रोड पर एक डेड बॉडी भी मिली है। पूरे शहर में नाकाबंदी कर दी गई है। बी केयरफुल। खलील भाई गया, फंस गया। आप मुंबई में, ये पुलिस जानती है। कल एयरपोर्ट के रोड पर लाश मिली थी, 10 मिनट में चप्पे चप्पे पर पुलिस होगी। सारी जगह पर नाकाबंदी हो गई है, यहां से आप कैसे जाएंगे खलील भाई? सैतालीस देश घूम चुका हूं मैं, 13 देश की पुलिस इसी तरह चप्पे चप्पे पर ढूंढ रही है मुझे, मगर खलील किसी को नहीं मिला। जो मुंबई में आ सकता है वो तो मुंबई के बाहर नहीं जा सकता क्या? खलील को पकड़ेंगे। गाड़ी को सीधा चला, नहीं तो खून के रख दूंगा। चल, बस हमारे कब्जे में है, कोई होशियारी नहीं करेगा, नहीं तो उड़ा दूंगा, समझे क्या? हे यू, चल बैठ साले, ज्यादा आवाज मत कर। हम लोगों को कहां ले जा रहे हो? अपनी जगह से हिलना मत, समझ गए? कौन होता
चुपचाप बैठ चुपचाप तुम्हें तोड़ दूंगा बैठ चुपचाप सब सब रुक जाओ कहाँ जा रहे हो तुम लोग कहाँ तुम लोग और कहाँ जा रहे हो गाड़ी भगा नहीं तो ठोक दूंगा साले को हेलो हार्बर पुलिस स्टेशन सर सर आतंकवादियों ने हमें शूट करके बस को हाईजैक करके बंगाला बंगाला फैक्ट्री की तरफ ले गए गॉड चलो ना जल्दी चुपचाप खड़े रहो यहाँ चलो बैठो नीचे चलो बैठो जाओ नीचे झुको बैठो अरे तुम कौन हो यहाँ क्यों लाए हमें हे यू हु आर यू मैन भागने की कोशिश की तो शूट कर दूंगा Yeah.
Dayanayak. Thank you very much. आज दोपहर को मुंबई नाके के करीब की मंगला सीमेंट फैक्ट्री के पास हुई मुठभेड़ में चार उग्रवादी मारे गए। बंदरगाह थाने के सब इंस्पेक्टर दयानायक, अपने शौर्य साहस से उन्होंने हमारे देश का नाम ऊंचा किया है। यहाँ आए हुए 40 अतिथियों को बचाकर दयानायक ने अपने आप में एक मिसाल कायम की है। अतिथियों का कहना है कि उन्होंने अपनी जान की परवाह ना करते हुए ईमानदारी से अपना फर्ज निभाया है, जिसके लिए वो हमेशा याद किए जाएंगे। हेलो, नमस्कार पुनेचा साहब। बोलो अशोक। खुश हुआ, बहुत खुश हुआ मैं। आपके थाने में टीवी है या मैं खुद भिजवाऊं? कोई खबर नहीं मिली क्या आपको? हाँ, खबर मिली है मुझे। दयानायक इतनी डेयरिंग करेगा ऐसा मैंने सोचा नहीं था। उसी के इंतजार में मैं तो यहाँ बैठा हूँ। इंतजार करो, बैठकर इंतजार करो। वहाँ खलील भाई मेरी मौत का इंतजार कर रहा होगा। अगर ये कोई फालतू काम होता तो चल जाता। पता है, खलील भाई खास तौर पर यहाँ आए थे। उन्होंने मुझ पर भरोसा करके ये काम दिया था मुझे, और इतना छोटा सा भी ये काम नहीं हो पाया। तुम और तुम्हारी पुलिस उसी एरिया में थे, तो फिर वो शैतान बीच में कहां से आ गया और जिंदा कैसे बच गया? ऐसा ना हो इसलिए तो अपने स्टाफ को दूसरी जगह भेजा था। ये अकेला पुलिस स्टेशन में था, इसी बीच फोन आया और फोन आते ही उठकर यहां से निकल पड़ा। सर। दयानायक, सब इंस्पेक्टर, हार्बर पुलिस स्टेशन, मुंबई। hey, ये क्या किया तुमने? चार लाशें गिराकर 40 लोगों की जान बचाई है और 2 लोगों को अस्पताल में एडमिट किया है। शट अप! क्या समझते हो अपने आप को? लोगों की जान बचाने वाला एक ईमानदार पुलिस इंस्पेक्टर समझता हूँ सर। स्टेशन से निकलने से पहले आपके नंबर पर 10 बार मैंने फोन किया था, रिंग हो रहा था, पर आपने उठाया नहीं। बाद में मुझे लगा कि आप शायद बहुत बिजी थे। यकीनन बहुत बिजी थे। Stop this nonsense! बड़ा गुरूर है अपने आप पर। हाँ, पेपर में तुम्हारा इश्तेहार क्या आ गया? 2 बार टीवी पर क्या आ गए? खुद को सुपर कॉप समझने लगे क्या? जिस्म में गर्म खून दौड़ रहा है ना, इसलिए ऐसी बातें कर रहे हो। परमिशन के बगैर 4 लोगों को बिंदा शूट करना मजाक है क्या? ऑलरेडी तुम पर इंक्वायरी कमीशन बिठाई गई है। सर, इंक्वायरी कमीशन को फेस करने के लिए मैं रेडी हूं। मिस्टर दयानायक, हमने आपको यहां क्यों बुलाया आप जानते हैं ना? सर, मिस्टर आईजी। यस सर। मिस्टर दयानायक, आप एक सब इंस्पेक्टर हैं या यूनिफॉर्म वाले टेररिस्ट? हमारे डिपार्टमेंट की भी कोई इज्जत है? आपके सीनियर की आपको कोई कदर नहीं है क्या? यू हैव किल्ड 4 पीपल ऑन द स्पॉट। फायरिंग करने से पहले सीनियर की परमिशन नहीं ले सकते थे क्या? आई एम वेरी सॉरी, यू आर वेरी केयरलेस। आई से दिस समन्स टू सीरियस डिरेक्शन ऑफ ड्यूटी। आफ्टर ऑल यू आर ए सब इंस्पेक्टर। आपके बारे में इंक्वायरी करने के लिए स्वयं गृह मंत्री आए हैं। सर, अगर मैंने उस वक्त ये कदम नहीं उठाया होता तो। स्टॉप इट। इंस्पेक्टर दयानायक, आप पर लगे आरोपों का मैंने पूरी तरह बखान नहीं किया है। आपके अपराध कम थोड़े ना है। इतना होने के बाद भी कल आपने इंस्पेक्टर पुनाचा का अपमान किया। आपने तो सिर्फ 4 लोगों को मारा है, मगर गोलियां कितनी चलाई? इसका हिसाब दिए बगैर स्टेशन छोड़कर बाहर चले गए। मिस्टर नायक, फायर करने से पहले अपने सीनियर ऑफिसर की परमिशन नहीं ले सकते थे क्या? असल में आप स्टेशन छोड़कर गए थे, ये सबसे बड़ी गलती है। इसके लिए डिपार्टमेंट आपको क्या पनिशमेंट देगा ये जानते हैं आप? आई एम सॉरी टू से दिस, यू हैव टू लिव दिस यूनिफॉर्म। यस, ये खाकी वर्दी, ये बेल्ट, ऑल दी स्टार्स, ऑफकोर्स द पिस्टल विच यू हैव ओवर यूज्ड, एक एक करके छीन लेंगे। माइंड इट। नाउ इन द प्रेजेंस ऑफ द ऑनरेबल होम मिनिस्टर
I permit you to defend yourself. Come on. सच कहा सर, मुझे स्टेशन छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। लोगों की जानमाल की रक्षा करना एक पुलिस ऑफिसर का परम कर्तव्य है। पर वो 40 फॉरेन डेलीगेट्स थे सर। अगर एक को भी कुछ हो जाता ना, तो हमारे पूरे देश को बदनाम कर देते। सर, उन 40 लोगों को बचाने के लिए मेरे पास सिर्फ एक ही रास्ता था सर, फायर करना। आई डिड इट। जिनको मैंने मारा वो कौन थे सर? दे आर द मोस्ट वांटेड क्रिमिनल्स बाय द इंडियन पुलिस सर। ही इज मुल्तानी, यूसुफ खलील गैंग का सेकेंड लाइन लीडर। ही इज वॉन्टेड फॉर 15 केसेस इन बॉम्बे। ये है कांबा, आप इसे जानते होंगे सर। ड्रग केस में अरेस्ट होकर जेल से फरार हो गया। ये दोनों चराग पराग हैं, डिक्लेयर्ड साइकोपैथ सीरियल किलर्स। मैंने बुरे लोगों को मारा है सर। आई हैव नो रिग्रेट्स सर। आपने अपने सीनियर ऑफिसर का अपमान क्यों किया? इनका क्या सर, मिस्टर दिनेश पुनाचा। सच है सर, एक सीनियर ऑफिसर होने के नाते जो काम इन्हें करना चाहिए था वो मैंने किया। यही अपमान हुआ इनका। मिस्टर दयानायक, मिस्टर दयानायक, मिस्टर दयानायक, प्लीज स्टॉप टॉकिंग। अब बहुत बातें हो गई हैं, आपकी सफाई हम सुन चुके हैं। आई एम सॉरी टू से दिस, जैसा आपके आईजी ने कहा, आपको यूनिफॉर्म उतारना ही होगा। लेकिन मिस्टर दयानायक, सच्चाई की हमेशा जीत होती है। ऑफ कोर्स आप अपनी वर्दी तो खो ही रहे हैं, लेकिन नॉट एज ए पनिशमेंट, एज ए रिवार्ड। सरकार आपको यह रिवॉर्ड के तौर पे दे रही है। आज से ही आप क्रिमिनल इंटेलिजेंस यूनिट में एक खास ऑफिसर बनकर काम करेंगे। ओके, थैंक यू सर। माय डियर ऑफिसर, क्राइम ब्रांच में पुलिस स्टेशन की तरह पावर लिमिटेशन नहीं होता, अनलिमिटेड पावर होती है। वहां वर्दी की जरूरत नहीं पड़ती, कमिटमेंट की जरूरत पड़ती है। ऐसी जगह पर काम करने के लिए तुम जैसे हिम्मत वाले ऑफिसरों की जरूरत है। और वैसे भी महाराष्ट्र में यूसुफ खलील नाम का आदमी पैर रख चुका है। इतिहास में कभी ना सुनी हुई माफिया गन फायर महाराष्ट्र में सुनाई दे सकती है, और यह महाराष्ट्र कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। सो फॉरगेट अबाउट द यूनिफॉर्म, गेट ऑन टू जॉब। थैंक यू सर, गुड लक। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सर। सर, वेलकम माय बॉय। थैंक यू सर। मुझे अच्छी तरह मालूम था एक दिन तुम यहां इस ऑफिस में ड्यूटी ज्वाइन करोगे। मैं बहुत दिनों से सोच रहा था मुंबई बेंगलोर जैसे शहर को तुम जैसे अफसरों की जरूरत है। यहां अंडरवर्ल्ड बढ़ता ही जा रहा है, पावरफुल हो रहा है, हमारी पुलिस फोर्स बैठे बैठे बूढ़ी हो रही है। वी नीड टफ कॉप्स। खाकी पहनकर पुलिस स्टेशन में बैठकर ड्यूटी करना कुछ और है, यहां इंटेलिजेंस यूनिट में हम कुछ और करते हैं। अच्छी तरह सोच लो दया, यहां खून करने का काम होता है, खून करने वाले का खून ही करना चाहिए। टेक योर सीट। और ध्यान रहे, हमारी मौत कहां छुपी बैठी है हमें खुद पता नहीं होता। सुबह घर से निकले हुए रात को हिफाजत से घर पहुंचेंगे इसकी गारंटी भी नहीं होती। इसलिए तो मेरी वर्दी चली गई सर। यू आर माई रोल मॉडल। यह आवेश की बात है, आदर्श की बात है। इसे हर वक्त अपने साथ ही रखना, रात को अपने पास रखकर सोने की आदत बनाओ। सरकार खून करने का अधिकार दे रही है तुम्हें। यू आर लाइसेंस्ड टू किल।
Now watch this. नंदी, ये किरण कुमार है. कलिंगा, ये तीनों बहुत डेंजरस क्रिमिनल्स हैं. इन तीनों का दुबई से कॉन्ट्रैक्ट है. पहले ही राउंड में इनका सफाया कर दो. सर. हेलो, डायनायक हियर. हेलो, एजे हॉस्पिटल. इसे देखो दया, साल्डर, डेडली फेलो, काला चौकी जिले के पुलिस स्टेशन में वांटेड है. मुंबई अंडरवर्ल्ड को लाने वाला कुख्यात गुंडा. ये साइकोपैथ है. यहां पर आतंक फैलाने के लिए ये कई बार यहां आता रहता है. ये जहां कहीं भी जाता है वहां लाशें बिछा देता है. ये हमें हाल ही में यहां पर दिखा है. अब की बार ये बचना नहीं चाहिए. किसी भी हालत में इसे खत्म करो, मगर बी केयरफुल. सर. हेलो, दयानायक हियर. वरना ठोक दूंगा साले. यस सर, सालदार पकड़ा गया सर. इतनी जल्दी? यस सर. दैट्स ग्रेट. लेकिन दया, वो मर्डर केसेस में हार्बर पुलिस स्टेशन में वांटेड है. उसे हैंड ओवर कर दो. डोंट किल हिम. सॉरी सर. को दो खतरनाक गुंडे विक्रम स्वामी और प्रकाश सालदेव पुलिस की गोली का शिकार हो गए. नगर के क्राइम ब्रांच विभाग के इंस्पेक्टर सुपर कॉप दयानायक अपराधियों को बंदी बनाकर उन्हें न्यायालय के हवाले करने की पूरी कोशिश के बावजूद वो नाकामयाब रहे. सालदेव को फरार होता देखकर उन्हें मजबूरन गोली चलाकर हत्या करनी पड़ी, ऐसा बताया गया है. अब मुख्य शहरों के तापमान. ये भी कुछ कम नहीं है. नाम एंथनी डिकोस्टा, दुबई में बैठकर इंडिया पर नजर रखता है. यूसुफ खलील का शार्प शूटर है. ये एक रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर का बेटा है. खलील की बात इसके लिए पत्थर की लकीर है. एंथनी डिकोस्टा मतलब ये है. सर, आई वांट हिम डेड. श्योर सर. सब इंस्पेक्टर दयानायक हियर. आप कौन है? ऑफिस में आइए. ऐसी क्या जरूरी बात है? एंथनी डिकोस्टा. Anthony
हुई हूँ। ए सीमा यही रियल हीरो है, फिल्मी हीरो नहीं। मैं इसी से शादी करूंगी। तुम भी ना, उसके घर जाओगी, वो लड़कियों को एंट्री नहीं देता। मैं एंट्री मारूंगी। आगे पीछे पीछे आगे लेके जा। पास दया पास आ। लुक मिस्टर सिंधे। जी सर। मटेरियल सब आ चुका है ना? हाँ सर। अच्छा, लिफ्ट के पास 5 फीट पैसे छोड़ दीजिए, ठीक है? ठीक है सर। आज काम जल्दी हो जाना चाहिए। जी सर। चाहे कुछ भी हो जाए, सीमेंट रेशो में घोटाला नहीं होना चाहिए। ओके सर। और देखो, काम पूरी तरह से अच्छी तरह से करना, समझ गए ना तुम? ओके। और वो लिफ्ट जहाँ बनी है वो जगह ठीक है कि नहीं देख लेना। ओके। और मुझे फिर फोन करके उस जगह के बारे में कन्फर्म करना है, ठीक है? मार्केट में स्टील का भाव बहुत बढ़ गया है। हेलो, सुधाकर शेट्टी। हाँ, मैं मेगा बिल्डर्स का मैनेजिंग डायरेक्टर बोल रहा हूँ। शेट्टी साहब, आपकी बिल्डिंग बहुत मस्त बन रही है। हमारे आदमी बता रहे थे कि तुमने बहुत इन्वेस्ट किया है। हाँ, आज की तारीख में मुंबई के बहुत बड़े बिल्डर हो गए हो, नंबर वन। हे, हु इज दैट? कौन बात कर रहा है? हाँ, मैं जरूर बताऊंगा तुझे, पर इससे पहले तू सुन ले, ध्यान से सुन, मुझे क्या चाहिए तुझसे, समझ गया? अपने प्रोजेक्ट पर तूने 200 करोड़ रुपए डाले हैं ना? मैं लैंड की बात नहीं कर रहा, मुझे सिर्फ प्रोजेक्ट का 10% चाहिए, 10%। ये मुंबई अंडरवर्ल्ड की एक छोटी सी मांग है, वो भी कैश में। क्या 10%? यू मीन 20 करोड़ रुपए? कूल शेट्टी साहब, बेकार में छोटी सी रकम के लिए अपने बीवी बच्चों की जान मत गंवाना। ए, किसे डरा रहा है रे तू? मैं दुबई रह के आया हूँ, समझा? ए, ज्यादा बात मत कर वरना अपनी जान से जाएगा, जिंदा रहेगा तो और कमा लेगा, समझ गया? जान लेना कोई बड़ी बात नहीं है, सिर्फ एक गोली का तमाशा है। घर में फोन लगा कर देख, सब पता चल जाएगा तुझे। हेलो, पार्वती को फोन दो। मालकिन बच्चे को टीका लगवाने के लिए हॉस्पिटल लेके गई है। हेलो, नमस्ते शेट्टी साहब। कौन है तू? अगर मैं अपना नाम बता दूंगा तो क्या तू यहाँ आकर मेरे गले में हार डालेगा? भाई का आदमी हूँ अशोक, भाई का आदमी हूँ। भाई जो कह रहा है वो करो, यहाँ तेरी बीवी और बच्चा दोनों मेरे कब्जे में हैं। फोन देता हूँ, हेलो बोलना, उन्हें भी तसल्ली हो जाएगी। ए, हेलो, जी मैं हूँ। हेलो, हेलो पार्वती। शेट्टी साहब सुन लिया? हाँ, पैसा ला रहा हूँ, मेरी बीवी बच्चों को कुछ मत करना। हाँ, उनकी जान की रक्षा करना मेरा फर्ज है, देखो वो मैं निभा रहा हूँ। अशोक नायक, मेरे बीवी बच्चों को कुछ नहीं होना चाहिए, समझा? सुधाकर, पागल मत बना। नहीं, मैंने फैसला कर लिया है, उसे रुपए चाहिए ना, मैं उन्हें दे दूंगा। जान बची रही तो और भी पैसे कमा सकते हैं। 20 करोड़ रुपए के लिए मैं अपने बीवी बच्चों की कीमती जान गवा दूंगा क्या? तुम जानते नहीं हो क्या, ये परसेंटेज, ये हफ्ता, ये पेटी, ये खोका दे दे कर हमारे लोग बर्बाद हो गए हैं। कहीं भी बिजनेस ना होने के कारण आज हमारे लोग इस हालत में आ गए हैं। ऐसे में अगर यहाँ भी वही होता रहा तो हमारा क्या होगा? चाहे कुछ भी हो जाए, हम उन लोगों को पैसे नहीं देंगे। तुम्हारी बीवी और बच्चे वापस लाने का एक ही रास्ता है, CIO ऑफिस में दयानायक नाम के ऑफिसर है, हम लोग उनसे मिलकर अपनी सारी बातें बताते हैं। हाँ, हम चलकर उनसे रिक्वेस्ट करते हैं, चलो। हाय
हेलो अशोक भाई, काम होने ही वाला था मगर सुधाकर शेट्टी और उसके दोस्त कहीं चले गए। ठीक है, तुम उन्हें फॉलो करो और मुझे खबर देते रहना। हेलो कंट्रोल रूम। यस सर। सुधाकर जी की पत्नी और बच्चा किडनैप हुआ। इनके बारे में कुछ भी खबर मिली तो मुझे इन्फॉर्म करना। सर सर मेरी बीवी का फोन है सर। हेलो 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 जी, मैं बोल रही हूँ, पार्वती बोल रही हूँ, मैं और मेरा मुन्ना दोनों यहाँ पर हैं। मैं दयानाक बोल रहा हूँ, बोलो बहन बोलो। भैया यहाँ पर जल्दी आ जाइए। मैं बस पहुँच ही रहा हूँ, तुम डरो मत। अच्छा भैया, इस वक्त तुम कहाँ हो? पता नहीं कहाँ हो, शायद किसी ऊंची जगह पर हो। हेलो अशोक भाई, अभी सुधाकर शेट्टी और उसके दोस्त दयानायक के साथ गए। अब ध्यान से मेरी बात सुनो, एक बार कमरे के बाहर देखो और बताओ क्या देख रहा है। यहाँ कुछ नहीं दिख रहा भैया, मैं कहाँ हूँ मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। शांत हो जाओ और ठीक तरह से देखो। खिड़की दरवाजा कुछ नहीं है। ओहो, अंडर कंस्ट्रक्शन अपार्टमेंट है। गुड, और क्या देख रहा है? बहुत ऊंचाई पर हो और कहीं से चर्च बेल की आवाज सुनाई दे रही है। चर्च बेल की आवाज, और कुछ नजर नहीं आ रहा। मेरा बच्चा बहुत रो रहा है भैया, मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तुम्हें कुछ नहीं होगा, बस हौसला रखो, मैं बस पहुंच ही रहा हूं, प्लीज। हेलो हेलो, क्या हुआ तुम्हें? हाँ तुमको, हेलो भैया, नमस्ते अशोक भाई, पूरा सत्यानाश हो गया। इस बीवी को जाने की बहुत जल्दी थी, पति से बहुत प्यार करती है लगता है। मैं थोड़ी देर के लिए टॉयलेट में क्या गया, ये अपने पति से ही बात करने लग गई। बाहर आकर उसे खींच के एक हाथ दिया ना तो जमीन पर गिर गई। बेवकूफ, मैं जो कहता हूँ वो करा करो, अपनी समझदारी मत दिखाया करो। अगर दयानायक आ गया तो तुम में से कोई भी नहीं बचेगा। मैं भी चट्टान की तरह उसके सामने अड़ जाऊंगा। अब जल्दी से उन दोनों को लेकर वहां से निकलो, समझ गए तुम? ठीक है अशोक भाई। भाई ये मर गई, शेट्टी की बीवी फिनिश। अरे वाट लगा दी ना तुमने, अब जल्दी से भागो वहां से।
बेटा ये रहे आपके अमानत सर। आई एम सॉरी सर, मेरे पहुंचने से पहले रिजवान ने आपकी पत्नी को जला दिया था। साइकोपैथ बास्ट। हेलो, हाँ बोलो, कौन बोल रहा है? अशोक, खलील बोल रहा हूँ। खलील भाई माफ करना, आँख लग गई थी। तू साला सो रहा है और वो कुत्ता दया जाग रहा है। रिजवान का एनकाउंटर हुए सिर्फ 15 मिनट हुआ है, अब तो साला वो भी हमसे दूर हो गया। अगर ये इसी तरह हमारे लोगों को मारता रहा तो तुझे भेंडी बाजार में भंगार का धंधा खोलकर पूरी जिंदगी गुजारनी पड़ेगी। खलील भाई माफ करना। चुप। माँ। दया। माँ। गया जीवन दुख भरा, दिन आया सुख भरा, पद मुद्दत के मिला, खून अपना खून से अब कटेंगे रात दिन, मेरे पल भी सुकून से। दया, इतने सालों के बाद तुम्हें अपनी माँ की याद आई? माँ। गया जीवन अंदर आ। सुख भरा दिन आया सुख भरा। माँ, हर दिन एक को मारता रहो, एक एक को मारते वक्त मुझे तुम्हारी याद आती है। ये गलत है या सही है, उनको मारने का क्या हक बनता है मेरा? वो भी एक तो नहीं, अब तक पूरे 56 हो गए हैं। अब तक मैं जो कर रहा हूं वो पाप है ना माँ? नहीं बेटा, मैं इस गांव के कई घरों में जाकर इन्हीं हाथों से हर दिन एक बच्चे को इस दुनिया में लाती रही हूं। तुम मेरी कोख से जन्मे हो बेटा, और तुम हर एक को इस दुनिया से ही भेज रहे हो। ये कितनी अजीब बात है ना? तुम्हारे हाथों से जितने भी एनकाउंटर हुए, तुम्हारी कामयाबी की हमेशा दुआ मांगी मैंने। मेरे बेटे को शक्ति दो, सिर्फ वध करने की शक्ति नहीं बल्कि समाज के लिए जुल्म के खिलाफ लड़ने की शक्ति दो। मुझे सबसे बड़ी खुशी किस बात की है जानता है? तुमने एक भी बेगुनाह को नहीं मारा, तुमने जिन्हें मारा है वो देशद्रोही थे। ऐसे लोगों को मारना बिल्कुल गलत नहीं है। मेरी एक बात याद रखना, तुम भगवान ने दशावतार क्यों लिए जानते हो ना? राक्षसों का वध करने के लिए, और उसका एक अवतार हो तुम। तुम अपना कर्तव्य निभाते रहो, बाकी सब उस पर छोड़ दो। माँ, भगवान ने मुझे उन तमाम शक्तियों से बढ़कर मुझे मेरी माँ दी है। अच्छा माँ, तुम्हें क्या लगता है मैं तुमसे मिलकर वापस जाने के लिए आया हूँ? बिल्कुल नहीं, तुम भी अपना सामान पैक करो, तुम मेरे साथ चल रही हो, मेरे साथ ही रहोगे तुम। क्या, मैं तुम्हारे साथ चलूं? मजाक कर रहे हो, ये घर ये गांव मैं छोड़कर नहीं आ सकती। खाओ। मैं नहीं खाऊंगा। माँ, कितने साल तुमसे दूर रहा हूं, क्या क्या नहीं किया, आज तुम्हें देखने के बाद मेरा बचपन याद आ गया मुझे। माँ, मैं चाहता हूं तुम हमेशा मेरी नजरों के सामने रहो, मेरी जीवन की हर सुबह तुम्हारे साथ ही शुरू होनी चाहिए। मेरे कर्तव्य पथ पर तुम्हारी दुआओं की सख्त जरूरत है। माँ, मैं कहीं भी रहूं मेरी दुआ तेरे साथ होगी। मैं कई सालों से इस घर में हूं, अब छोड़ने के लिए मत बोल, इसे तुम्हारे पिता ने बनाया है। मेरा घर तुम्हारा घर नहीं है क्या माँ? अगर तुम नहीं रहो तो वो घर किस काम का, जिसका आशीर्वाद लेकर मैं हर रोज काम पर जाऊं, ऐसी एक माँ मुझे भी चाहिए। ठीक है बेटा, जैसी तुम्हारी इच्छा।
लो। आइए, अच्छे समय पर आए हैं, आरती लीजिए, बैठिए। बैठिए ना। कोई बात नहीं। दया हमेशा आपकी बातें करता रहता है और आज आपसे मुलाकात भी हो गई। आप जानती हैं मैं कौन हूँ? क्यों नहीं जानूंगी, आप प्रकाश हेगड़े जी हैं ना? आपको कैसे पता चला? मुझे पता कैसे नहीं चलेगा, मेरा बेटा आपके नाम की हमेशा माला जपता रहता है, जब भी देखो आपकी तारीफ करने से थकता ही नहीं है वो। मेरे साहब ने ये किया, मेरे साहब ने वो किया कहकर हमेशा आपकी तारीफ करता है। मेरे बेटे की आपने कितनी अच्छी परवरिश की, उसकी नजर में ये नहीं आप ही भगवान हैं। मैंने क्या किया है? मुझे वो चाहता है इसीलिए वो मेरी तारीफ करता है। आपके आने की खबर मुझे मिली इसीलिए आपसे मिलने चला आया। आपके आने से इस घर की शोभा बढ़ी है। मैंने तो सिर्फ इस घर मंदिर की शोभा बढ़ाई है, मगर आपने बचपन में गांव घर माँ को छोड़कर आए हुए बच्चे को आपने उसे सहारा दिया, उसे पढ़ाया, काम भी दिलाकर, इतना बड़ा घर भी देकर उसकी जिंदगी बनाई है, हम ये नहीं भूल सकते। अच्छी बात है, सिर्फ उसका हौसला बढ़ाने के अलावा मैंने उसके लिए और कुछ भी नहीं किया है। अर्जुन की तरह ऊंचा नाम कमाया है उसने, पूरी वफादारी से देश के लिए लड़कर गौरव भी वही हासिल कर रहा है। श्री कृष्ण उसके साथ है ये सोचकर ही ना अर्जुन युद्ध में उतरा था। आपकी छाया, आपका प्रेम हमेशा उसके साथ रहे। माँ, माँ। दया सर। तुमसे बात करने के लिए आया था। एनीवे आई विल वेट फॉर यू इन द ऑफिस, चलता हूँ। सर कौन है जानती हो? हाँ। Thank you.
क्या चीज है? डोंट मूव। कौन है तू? कौन है तू? तेरा बाप दयानायक। ज्यादा शान पट्टी की ना तो यही टपका दूंगा। उठ सारे। उठ सारे। सलीम, अरुण सोलंकी, टोपी वाला उर्फ रफी। सर, इससे पहले मैंने आपको कभी परेशान नहीं देखा सर। क्योंकि इतने सालों से कर्नाटक में रफीक टोपी वाला कभी नहीं आया। ही इज ए बिग शार्प शूटर ऑफ एशिया। वो बेवजह कभी नहीं आता और आकर काम पूरा किए बिना वापस नहीं जाता। टोपी वाला आज तक चूका नहीं है। सर, आप एक बार इशारा तो कीजिए। मैं रिस्क लेने से नहीं डरता। बात अगर हमारे जान की होती तो जरूर चलते। जान होम मिनिस्टर की खतरे में है। आई विल आस्क हिम टू कैंसिल दिस प्रोग्राम। सर, प्रोग्राम कैंसिल मत कीजिए सर। कैंसिल हुआ तो टोपी वाला वापस चला जाएगा। बड़ा शिकार हाथ से निकल जाएगा। आपको कभी मैं शिकायत का मौका नहीं दूंगा। बस एक मौका दीजिए सर। आपके आशीर्वाद से उस टोपी वाले को उसके गिरोह समेत पकड़ूंगा। विश्वास रखिए सर, प्लीज। राइट, थैंक यू सर। ए, वो किताब दे। हाँ, चल। अरे रुक जा। ए, तुझे मैं क्या बोला सब मालूम है ना? दूसरा खेल मत खेलना। क्या समझे? सर, मूव। हमारे चहेते नायक माननीय गृह मंत्री श्री अरुण कुमार जी इस अभिनंदन समारोह में हमें अपना कीमती समय देकर हमारे बीच पधारे हैं। तो दोस्तों, मेरी और आपकी तरफ से मैं उनका हार्दिक स्वागत करता हूं। अब माननीय गृह मंत्री जी, आप सबके लिए चंद शब्द कहें, ऐसी उनसे विनती करता हूं। भाइयों और बहनों, स्वतंत्र भारत के ऐतिहासिक 58 सालों में कभी न देखी हुई समस्या और संकटों का हम सामना कर रहे हैं। दिन प्रतिदिन कई लोग आतंक का शिकार हो रहे हैं और ऐसी समस्याएं दुख देती हैं। इन समस्याओं के परिहार के लिए हमारी सरकार पूरी मेहनत कर रही है और कामयाब भी होगी। बस आप सबका साथ चाहिए। हम कुछ दिनों से देख रहे हैं, हमारे इस अमन शहर में माफिया के लोग दाखिल हो चुके हैं, जो चारों तरफ गंदगी फैला रहे हैं, कत्लेआम कर रहे हैं, स्मगलर आ चुके हैं, टेररिस्ट आ चुके हैं, प्रोफेशनल किलर आ चुके हैं। मगर मैं हमारी सरकार की तरफ से यहां पर उपस्थित सभी ऑफिसरों को कहना चाहूंगा, अपने अपने इलाकों में डिसिप्लिन को बनाए रखें, शांति अमन बनाए रखें, पुलिस का फर्ज अदा करें। यदि यह भी नहीं होता तो कानून को अपने हाथ में लेकर समाज की गंदगी को मिटाना चाहिए। देखिए, सरकार ने आपको बंदूक इसलिए दी है ताकि आप दुष्टों का नाश कर सकें और समाज की रक्षा कर सकें। अब भी इस सभा में फिर एक बार कह रहा हूं, सब कुछ बराबर है, मैं देख लूंगा, नो मिस, गेट रेडी। आप सब सुनिए पुलिस ऑफिसर्स, प्लीज लिसन। चाहे कुछ भी हो जाए, ये माफिया वाले आज के बाद यहां टिकने नहीं चाहिए। ताक दो गोली उनके सीने में, जहां भी उन्हें ढूंढ निकालो और खत्म कर दो इन समाज के दुश्मनों को।
माँ, हेगड़े सर कहाँ हैं? कैसे हैं वो? यही हैं, यहाँ बगल वाले वार्ड में। दया, दया, कहाँ जा रहे हो? रुको बेटा, दया। सर, कैसे हैं आप सर? आपको कुछ हुआ तो नहीं ना? मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं ठीक हूँ। मगर तुम यहाँ क्यों आए? दया, चलो तुम अपने बिस्तर पर ले लो। एक मिनट माँ। आप दोनों किस्मत वाले हैं, भगवान बहुत दयालु है। भगवान कितना दयालु है ये हमें नहीं पता, मगर आपकी दुआएं हमें हमेशा बचाएंगी। सर, खलील का फोन है। ओके, स्पीकर फोन ऑन करो। माँ, कुछ ऑफिशियल बातें हैं, तुम वार्ड में रहो। ठीक है। डॉक्टर, नर्स प्लीज। ओके सर। दयानायक साहेब नमस्कार, मैं खलील बोल रहा हूँ, यूसुफ खलील। हाँ बोलो। दया साहेब, तेरे को मेडल जरूर मिलेगा होम मिनिस्टर की जान बचाने के वास्ते, पर मेडल लेने के लिए तू नहीं रहेगा। दुबई में भी रहकर मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा, खलास। बोल रहे खलील, दुबई में रहकर और तू क्या कर सकता है, और वैसे भी तू नाम का भाई है। अबे वो पुलिस के कुत्ते, इस बार बच गया तू, नेक्स्ट टाइम नो चांस। होम मिनिस्टर को हम मारने नहीं आए थे, उसके बंदोबस्त के लिए तू जरूर रहेगा ये जानता था मैं। मेरे आदमी आए थे तुझे मारने के लिए। साला हरामी निकला तू, हैं? तू बच गया। और मेरे दोनों शार्प शूटर का एनकाउंटर कर दिया। कितना हुआ तेरा स्कोर? 70-72। दया, एक दिन तू जरूर मरेगा, आज नहीं तो कल को तू गोली जरूर खाएगा। 100% खलास, 100%। तब तेरे को पता चलेगा डॉन यूसुफ क्या चीज है। क्या कहता है तू? डॉन है। लोग तुझे डॉन यूसुफ खलील कहते हैं। तू मुंह बंद रख साले, कितने लोगों को मारा है तूने? 4 या फिर 5? दूसरों को गन देकर, लोगों को मरवा कर खुद को डॉन कहता है? अरे साले, मैंने और मेरे बंदूक ने अब तक 72 एनकाउंटर किए हैं। डॉन तू है या फिर मैं? बात करता है साला। हे खलील, दम है तो मेरे सामने आ बे, मेरे सीने पर गोली चला, चल। फोन पे क्या धमकाता है तू? आ उन तीनों को तूने भेजा था ना मुझे मारने के लिए, मैं जानता था रे, अच्छी तरह जानता था तू मुझे क्या खत्म करेगा खलील। हे दया, मैं तुझे मारूंगा तो मेरे 10 आदमी और पैदा होंगे, तुझे जल्दी टपकाऊंगा मैं। सुना जरा आपने, खुद को डॉन बोलता है। हाँ मैं सुन रहा था, उन तीनों ने होम मिनिस्टर को नहीं तुमको टारगेट किया था, पहले ही पता होता तो दूसरे अरेंजमेंट कर सकता था। सॉरी सर, जब तक मैं जिंदा हूं आप कभी दूसरे अरेंजमेंट्स के बारे में सोचिए भी मत, मुझे ही अच्छा नहीं लगेगा। और अगर मैं मर गया ना सर, तो इस जंग को आप जारी रखेंगे, मुझे पूरा विश्वास है सर। मरने की बात क्यों करते हो दया? हम मारने वाले लोग हैं, वी आर लाइसेंस टू किल। शांताकारम भुजग शयनम पद्मनाभम सुरेशम विश्वाधारम गगन सदशम मेघवर्णम शुभांगम लक्ष्मीकांतम कमलनयनम योगिरुद्यानगम्यम वंदे विष्णु भवभयहरम सर्वलोकैकनाथम। आई एम सॉरी, मैं आपको बता नहीं पाया, कल होम मिनिस्टर ने इनका साहस देखा और उसके बाद इनकी सुरक्षा का बंदोबस्त किया। ये सब NSI ट्रेन कमांडोज हैं, इसकी रक्षा के लिए भेजे गए। पर मुझे बॉडीगार्ड्स की जरूरत नहीं है। तुम्हारे लिए नहीं, डिपार्टमेंट के लिए, देश के लिए। अब तुम देश की संपत्ति हो, इसीलिए सरकार ने इन्हें तुम्हारी रक्षा के लिए खड़ा किया है। आप लोग जरा थोड़ा बाहर खड़े रहिए, बैठ कर बात करते हैं।
मेरी बात का आप बुरा मत मानिएगा। अब तक आपने दया के कारनामे सुने होंगे, अखबारों में पढ़े होंगे, मगर एक बात है जो आप नहीं जानती, मैं बताता हूँ जो मुझे पसंद नहीं है। क्या बात है? क्या बताऊँ मैं, डिपार्टमेंट तो तंग हो गया है। हमारे ऑफिस को छोड़िए, सभी लोग झेल झेल कर थक गए हैं। और तो और, आप कोई भी पुलिस स्टेशन में जाकर देखिए, लड़कियों के फोन तो आते ही रहते हैं। दया आई लव यू कहते हैं और फोन रख देते हैं और कुछ बोलते ही नहीं। सारे अधिकारी, कॉन्स्टेबल्स, नाइट ड्यूटी वाले सब परेशान हो गए हैं। लड़कियों की नजर में दया हीरो बन चुका है। अगर आपने अब भी इसकी शादी नहीं करवाई तो सर, प्लीज सर। दया, सुना तुमने? माँ, कौन कब शूट कर दे कुछ पता नहीं होता, ऐसे में शादी करके करूँ क्या? मतलब जिंदगी भर तुम कुंवारे रहोगे क्या? नथिंग डूइंग, तुम्हारी कुछ भी नहीं सुनना चाहते हम, इसलिए आज शाम हम लड़की को देखने जा रहे हैं। तुम भी आ रहे हो और लड़की को देखोगे। दैट्स एन ऑर्डर। कितना वक्त हो गया और ये अभी तक नहीं आए। अरे कौन है आप? कौन है आप? फिर पूछे किसे जा रहे हैं? कौन है आप? हेलो, एक्सक्यूज मी, मैं आपसे पूछ रही हूँ, कौन है आप? कौन है आप? बताइए। ये कुछ नहीं बोल रहे हैं, देखिए कुछ नहीं बता रहे हैं। हेलो हेलो, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। हेलो मिस्टर, आपके होने वाले दामाद है ना, उनके बॉडीगार्ड चाहिए। बॉडीगार्ड तो पहले बताना चाहिए था। वो नहीं आए। आ गए, आ गए। आइए आइए। आप हैं श्रीमती राधा नायक? नमस्कार। उनका बेटा दया नायक। हेलो सुकुमार, और उनकी मिसेज। नमस्ते, प्लीज कम इन। आइए आइए, प्लीज बैठिए। ये क्या है जी, लड़की देखने आया है और साथ में गन भी लाए हैं, मुझे तो डर लग रहा है। ये उनका प्रोफेशन है। ये मेरी बेटी है आरती। दया, लड़की आई है देख। तुम ही देख लो ना, काय को फंसा। ऐसा क्यों कहते हो, देखो ना। क्या माँ, तुम भी देख। तू कैसी है? हाँ चलेगी। चलेगी ना? हाँ चला लेंगे। पसंद है? हाँ चल जाएगा। अच्छी है ना? सर प्लीज, लड़की से थोड़ी देर बात करनी है सर। कुछ देर के लिए लड़की से लड़का अकेले में बात करना चाहता है। हाँ कर सकते हैं। मेरा नाम है दयानायक, क्रिमिनल इंटेलिजेंस में काम करता हूँ। आप इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट यूनिट में इंस्पेक्टर हैं। नेटिव ऑफ येंडे होले विलेज। माँ का नाम है राधा नायक। अब तक आपने 80 इनकाउंटर्स किए हैं। आपकी हाइट है 6'4", चेस्ट 44, कॉफी आपकी जान है, गुस्सा बहुत जल्दी आता है आपको, खून करने के अलावा और हैबिट्स नहीं है। प्रकाश हेगड़े मतलब आपके प्यारे प्रभु हैं। आपका ब्लड ग्रुप ए बी पॉजिटिव है। आपका फेवरेट हीरो सरदार भगत सिंह है। आपकी माँ आपकी जिंदगी है। गुस्सा आने पर आप टार्जन की तरह दिखते हैं, शांत रहने पर सुपरमैन। ओह, मेरे बारे में सब कुछ जानती हो? आपकी डाई हार्ट फैन जो हूँ। और मेरे साथ शादी करने के लिए क्या आप तैयार हो? अगर आप तैयार हैं तो मैं डबल तैयार हूँ। ले ले तो ले ले मेरे प्यार के रसको ले ले, आहा आहा। सपनों में आती तू, दिल को धड़काती तू, दिल में तो रहता पर ये दिल रहता है बेबाबू। दे दे तू दे दे अपने प्यार का यौवन दे दे, आहा आहा। ले ले तू ले ले मेरे प्यार के रसको ले ले, आहा।
love you too, कसम से। ले ले तो ले ले मेरे प्यार के रस को ले ले। दे दे तू दे दे अपने प्यार का यौवन दे दे आहा कभी ना जा आंखों में रोशनी तू बन के समा जा अरे छाते छाते छाया है ये तेरा नशा दे दे तू दे दे अपने प्यार का यौवन दे दे आहा आहा ले ले तू ले ले मेरे प्यार के रस को ले ले सपनों में आती तू दिल को धड़काती तू दिल में तू रहता पर ये दिल रहता है बेबाबू दे दे तू दे दे अपने प्यार का यौवन दे दे आहा ले ले तू ले ले मेरे प्यार के रस को ले ले माँ हम मंदिर होकर आते हैं जल्दी आ जाना चलो सुनिए मंदिर जाते वक्त भी बॉडीगार्ड चाहिए क्या नहीं जी सीआईयू इंस्पेक्टर को आप यहीं छोड़िए प्लीज प्लीज गेट आउट ओके सर ओके सर हैप्पी ना भगवान का दर्शन करने के लिए आप इसे साथ ले जाएंगे क्या मुझे दीजिए कम ऑन शिवाय नमः रुद्राय नमः अरण्ये नमः आरती लीजिए ये लीजिए प्रसाद सुनिए शॉपिंग करने के बाद घर चले क्या ओके होम मिनिस्टर का ऑर्डर जो सुनिए आप भी चलिए ना सॉरी मैडम शॉपिंग से मैं दूर ही रहता हूँ तुम शॉपिंग करके जल्दी आ जाओ मैं यही रोकता हूँ आई विल बी वेटिंग फॉर यू यूं गई और यूं आई ओके okay. जल्दी आना जस्ट टू मिनट्स
कर दीजिए। देख के नहीं चल सकते क्या? I'm sorry, sir. कोई तो मदद कीजिए, please, help me, help. मुझे माफ कर दो। नहीं, एजी हॉस्पिटल, एम्बुलेंस प्लीज। दया सर, नहीं नहीं दया सर, नहीं 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 नहीं। हाँ बोलो पुनाचे साहेब, तू कभी फोन पर खबर अच्छी नहीं देता है। हाँ चल चल जल्दी बाग। बात थोड़ी सीरियस है खलील भाई, आज भी एक शूट आउट हुआ। शाबाश, ये जो हॉस्पिटल में पड़ी हुई अशोक नायक के डेड बॉडी को इज्जत बख्शकर उसकी समाधि बनानी चाहिए क्या, या फिर शमशान में चंदन की लकड़ियों में चिता जलाकर उसकी अस्थियों को नदी में बहाना चाहिए क्या, यही पूछना है ना खलील भाई? यह मजाक करने का वक्त नहीं है। आप पर क्या बीत रही है यह मैं अच्छी तरह जानता हूँ। इस पुलिस स्टेशन में बिना कुछ किए बैठे बैठे मैं थक गया हूँ, अब बर्दाश्त नहीं होता। आप फाइनल ऑर्डर दे दीजिए, चाहे मुझे कुछ भी हो जाए, दया नायक को रास्ते से हटा दूंगा। आई विल किल हिम। होल्ड ऑन पुनीजा साहेब, टेंशन मत लो, बीपी आ जाएगा। दया नायक बंदूक की गोली से मरने वाला शिकार नहीं है। मुझे सोचने का वक्त दो, मैं दूसरा गेम खेलूंगा, ठीक है? इन्होंने मेरी जान बचाई है। I'm grateful to you. Thanks a lot. दया। दादी, मेरे हाथ पर इसका नाम लिखिए शेरू, और इसके हाथ पर मेरा नाम लिखिए दया। हाँ आहा, कितना प्यार है तुम दोनों में। ऊपर वाला तुम दोनों का प्यार सदा बनाए रखे मेरे बच्चों। शेरू, दया, दया, शेरू, गया जीवन दुख भरा दिन आया सुख भरा, गया जीवन दुख भरा दिन आया सुख भरा, फर्ज बेटे का दा दोस्त ने पूरा किया,
जो जगह खाली थी वो अपने खून से भर दिया। शेरू, कितनी अजीब बात है ना, हम दोबारा मिलेंगे ऐसा सोचा नहीं था। गॉड इज ग्रेट। लो शेरू। पुरानी घटनाओं को याद करके कितनी तकलीफ होती है। उस दिन गांव छोड़कर कहां चले गए शेरू? सीधा मुंबई गया, बिजनेस शुरू किया, लाखों रुपये कमाए, मेरे जीवन में कौशल्य आई, पर क्या करें, बैड टाइम, बिजनेस में बहुत पैसे गंवाए। दुबई में जीना आसान ना था, वापस मुंबई आ गया। मैं आगे क्या करूंगा ऊपर वाला ही जानता है। तकदीर क्या खेल खेलेगी ये कोई नहीं जानता। उस दिन यनाहोल में सुरेश कुएं में गिरकर मरा, उसके बाद मैं बैंगलोर चला गया और फिर तुम्हारी तरह ही होटल में काम करके, साथ में पढ़ाई करके आज मैं इस मुकाम पर पहुंचा हूं। मुझे तो सुरेश की माँ का मेरी आंखों के सामने जलकर मरना आज भी अच्छी तरह याद है। वो दिन और ये दिन देखो ना कितना बदल चुका है, लेकिन हमारे गांव का स्कूल अभी तक नहीं बदला, जैसा था वैसा ही है। गरीब बच्चे तो और आगे पढ़ ही नहीं सकते। अगर हमारे गांव में हाई स्कूल होता तो तुम दोनों कभी अलग ही नहीं होते। माँ जी, हम लोगों की तरह हमारा गांव नहीं बदला, हमारा समाज ही नहीं बदला कहकर परेशान होकर क्या फायदा? अगर ये चाहे तो गांव में एक अच्छा और बड़ा हाई स्कूल नहीं बना सकते क्या? फाइन माँ, मैं भी यही सोच रहा था, लेकिन हमारे पास उतना पैसा नहीं है, काम करने के लिए लोग भी नहीं है, ऐसे में क्या करें माँ? मन अगर चाहे तो स्कूल यूं ही बन जाएगा। दया मेरी बात मानो, स्कूल बनवाने के लिए अभी से सोचना शुरू करो। दुष्टों को मिटाने वाले हाथ बच्चों को विद्यादान भी कर सकते हैं, ऐसा प्रूव करो तुम। स्कूल बनाने का ख्याल अपने मन में ले लो दया। तुम गांव में अगर स्कूल बन गया तो कितने बच्चों का भला होगा। मन अगर चाहे तो स्कूल यूं ही बन जाएगा, बच्चों को विद्यादान भी कर सकते हैं, ऐसा प्रूव करो। बढ़ के सारे हम मेरी जिंदगी को मिले, बढ़ के सारे गम मेरी जिंदगी को मिले, ठहर के कोई अब थोड़ी देर तो देख ले के अंधेरों को मिला किस तरह रोशन समा। मेरी जुस्तजू मेरी आरजू कड़े दर पे है तेरे रूबरू, तुझसे रहे मेरी आबरू, तू ही दुख हरन मेरी सुन ले, तू पास मेरे तू आ भी जा, मेरे लिए कुछ कर दिखा, आस तुझे से है लगी, अपनी दया की ज्योत जगा, तेरी कृपा से दीप जले, जब भी तेरा माँ साथ मिला, गया जीवन दुख भरा, दिन आया सुख भरा। हेलो इंस्पेक्टर पुनेचा स्पीकिंग। हे पुनेचा, तू सिर्फ स्पीकिंग स्पीकिंग कुछ करेगा भी घटिए। क्या कहा खलील भाई, सिर्फ स्पीकिंग क्या? अगर उस दिन आप हाँ कहते तो आज वो दयानायक इस जमीन पर नहीं होता। अब टाइम आ गया है, पहले दयानायक की इज्जत निकालो, बाद में उसकी जान निकालने का काम मैं करूंगा। मतलब मैं ठीक से समझा नहीं खलील भाई। दयानायक के बनाए हुए स्कूल का कल उद्घाटन है, तुम्हारा एमएलए वो चीफ गेस्ट है,
तुम्हें बस एक बॉम्ब डालना है। बॉम्ब? यह हाथ से डालने वाला बॉम्ब नहीं है, एमएलए के कान में डालो। कहो अगर दयानायक यूं ही आगे बढ़ता रहा तो उनका अंजाम क्या होगा पूछो। उसके बाद? बाद में असली बॉम्ब डालो। कहो कि करोड़ों रुपया खर्चा करके जो स्कूल बनवाया है वो अंडरवर्ल्ड से मिला हुआ हफ्ता है, इसके बारे में इंक्वायरी बिठाकर दया को सस्पेंड करो। उतारो वर्दी साले की। खलील भाई, यू आर ग्रेट। दोस्तों, हमारे इस छोटे से गांव में करोड़ों रुपया खर्च करके एक बेहतरीन स्कूल बनाने वाले एक पुलिस अधिकारी जो समाज के दुश्मनों के लिए शेर की भांति हैं, वैसे ही आज बच्चों के भविष्य के लिए वो आसमान का एक फरिश्ता बनकर आज हमारे बीच में मौजूद हैं। इस छोटे से गांव के गरीब बच्चों के लिए एक नया जीवन प्रदान करने वाले ईश्वर रूपी इंसान दक्ष अधिकारी श्री दयानायक जी को प्यारे बच्चे अपनी टोली के संग लाएं, ऐसी में गुजारिश करता हूँ। सरकार जो काम इतने वर्षों से नहीं कर पाई है, उस अद्भुत कार्य को हमारे गांव के आदर्शवादी पुत्र दयानायक ने करके दिखा दिया है। उनके बनाए इस स्कूल की छाया में हजारों विद्यार्थी ज्ञान पाकर उन्हीं की तरह एक श्रेष्ठ अधिकारी बनेंगे और हमारे देश की रक्षा करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। अब मैं प्रार्थना करूंगा कि श्री दयानायक जी मंच पर आकर दो शब्द हम सबको कहने का कष्ट करें। ये विद्या मंदिर है, यही सुज्ञान का सागर है। मेरे दोस्तों और चाहने वालों, मेरे जन्मभूमि पर सरस्वती माँ के देवकुल का निर्माण मेरे जीवन का एक सपना था जो आज साकार हुआ है। इस स्कूल को बनाने में मेरे साथ देने वाली हमारे गांव की तमाम जनता को और मेरे चाहने वालों को मेरा धन्यवाद। कहा ना मैंने, ठीक है मैं समझ गया हूँ। हाँ हाँ हाँ, फोन करो, ठीक है। फोन अच्छा, कार्यक्रम बहुत ही अच्छा रहा। हाँ, क्या स्कूल है, क्या फैसिलिटी है, सच में क्या लोग हैं वहाँ के। वहाँ के सब लोग तुम्हारे जूनियर लग रहे थे, सच कह रहा हूँ। इंस्पेक्टर दयानायक वहाँ पर सब जगह छा गया और तुम मेरे घर के पहरेदार बने हो। आओ पकड़ो इसे। छाएगा नहीं तो और क्या होगा सर। एक स्कूल क्या बनाया, लोगों ने उसे हीरो बना दिया। कल और कुछ बनाएगा तो लोग उसे सर पर बिठा देंगे, और इससे ज्यादा वो कर भी क्या सकता है। लेकिन ऐसा क्यों कह रहे हो तुम, अच्छा काम करोगे तो अच्छी ही तारीफें मिलेंगी और क्या। अब दयानायक ने जो काम किया क्या वो कोई मामूली काम है। उसने इतना बड़ा स्कूल बनवाया, ये कोई सामान्य बात नहीं है। जरा तुम ही सोचो, हमारे गाँव के बच्चों को हाई स्कूल जाने के लिए स्कूल की बस पकड़ने के लिए कितनी दूर जाना पड़ता था, अब वो समस्या ही नहीं रही। अच्छा है उसने स्कूल बनाया, आप उसे हार पहना कर आए, लोग उसे अपने सर पर बिठाकर नाच रहे हैं। इसका अंजाम क्या होगा जानते हैं, जरा सोचिए। दयानायक कल अपनी नौकरी से इस्तीफा देकर इलेक्शन लड़ेगा और आसानी से एमएलए हो जाएगा, और तब वो आपके सर पर बैठेगा और आप उसे उठाकर नाचते रहेंगे। ये क्या कह रहे हो तुम, अभी से ही आपके विरोधी उसे पॉलिटिक्स में लाने की तैयारी कर रहे हैं सर, बाकी सब आप पर है। इसे रोका नहीं जा सकता क्या? मेरी बात माने तो रोक सकते हैं। सुनिए होम मिनिस्टर साहब, आजकल हमारे महाराष्ट्र राज्य में बेईमान पुलिस वालों का राज चल रहा है, ये सब बातें हमारे इन साथियों को भी पता है। मेरे पास इसका सबूत भी है। हमारे मुंबई शहर में एक साल में ही पुलिस वालों ने पूरे 94 लोगों की हत्या की है, इसका सबूत है मेरे पास। इसे ध्यान से देखिए आप,
फिर बताइए क्या कहते हैं आप। लेकिन उससे पहले आप मेरी एक बात का जवाब दीजिए। एक छोटे से गांव में एक बड़ा सा स्कूल बनवाकर उसे उसने राधा नाई गवर्नमेंट हाई स्कूल नाम रखा है। उसके लिए उसके पास 1,10,00,000 रुपए आखिर आए कहां से? इसका जवाब आपको देना होगा, सरकार को भी इसका जवाब देना होगा। क्यों दोस्तों? आप इतना पैसा आया कहां से? माफिया ने जी, माफिया ने दिया इतना सारा पैसा। हाँ, सरकार ने उसे पिस्तौल दी लोगों की रक्षा करने के लिए, और उसने उस पिस्तौल से ही माफिया वालों से पैसा वसूल किया। इस गैंग को मारने के लिए उस गैंग से पैसे लिए, और उस गैंग को मारने के लिए इस गैंग से पैसे। अगर ये सरकार के लिए इसी तरह से काम करता रहा तो हम उसे पुलिस ऑफिसर कहेंगे या हायर्ड किलर, बताना होगा इसका जवाब। उसने स्कूल के लिए काफी पैसे खर्च किए हैं, ये सरकार अच्छी तरह से जानती है। लेकिन दया नायक ने स्कूल अपने खुद के लिए नहीं बनाया है, सरकार के हवाले किया है। क्या बात कह रहे हैं आप सर, 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। ये तो वैसा ही कुछ हुआ। उसने ये स्कूल अपने लिए बनाया हो या सरकार के लिए, ये बात हमारी कुछ समझ में नहीं आती है सर। अगर उसके पास दान करने के लिए 1,10,00,000 रुपए हैं, तो जरा सोचिए उसके पास और कितना सारा पैसा होगा। क्या कभी सरकार ने पूछा उससे? जरा पहले उससे पूछिए। उसे सस्पेंड कीजिए सर, सस्पेंड, उसे सजा दीजिए, और इंक्वायरी कमीशन बैठाकर इस बात की पूरी तह तक जाइए। गुनहगार को सजा मिलनी ही चाहिए। क्यों दोस्तों, क्या कहते हो? सर, क्या बात है सर? आई एम सॉरी माई बॉय, यू हैव बीन सस्पेंडेड। सस्पेंडेड? यस, होम मिनिस्टर ने ऑर्डर दिया है। आई एम हेल्पलेस। सच क्या है तुम भी जानते हो और मैं भी, इसीलिए सारी कार्यवाही हो जाने दो, तुम्हें बेकसूर साबित हो जाने दो। अंटिल देन, तुम्हारे हेक्टिक काम से तुम्हें कुछ दिनों के लिए छुट्टी मिली समझो। आई एम सॉरी माई बॉय। गया जीवन सुख भरा दिन आया, दुख भरा तेरी महिमा है अजब, कर दिया क्या तूने अब माता, ये क्या कर दिया, दे के सब कुछ ले लिया। था जीवन सुख भरा दिन आया, दुख भरा कहूँ मैं अपनी कही, किसने सुनी जो दिल पे बनी, बद की भला अब क्या आशा, धर्म की है ये परिभाषा। दिन आया दुख भरा, गया जीवन सुख भरा दिन आया दुख भरा, रात कट गई सुख भरी,
बातें रह गई दुख भरी, खो गए रास्ते यहाँ सत्य की हुई हारी। मिस्टर दयानाय, आप पर लगाए गए आरोपों के विषय पर सरकार ने आपके आमदनी की पूरी तरह जांच पड़ताल करने के लिए इस इंक्वायरी कमीशन को बिठाया है। यहां पर आपसे हम जो भी सवाल पूछेंगे उसका आप सही सही जवाब देंगे। सर, आंसर टू द पॉइंट, आपकी महीने की तनख्वाह कितनी है? 17,742 रुपए और 50 पैसे। सर, यह मेरी लास्ट सैलरी है। सर, सब कुछ डिडक्ट होकर यही मेरे हाथ आता है। 9,763 रुपए, एम आई करेक्ट? सर। मिस्टर दयानायक, सर, आपके परिवार में सिर्फ 3 लोग हैं, आप, आपकी मां और आपकी पत्नी। यस सर। आपके घर संसार का महीने भर का खर्चा आपकी तनख्वाह से पूरा होता है, राइट? यस सर। वेल, दैट्स नॉट माय लुकआउट, माय पॉइंट इज, आपके यनहोला गांव में आपने श्रीमती राधा नायक गवर्नमेंट हाई स्कूल नामक स्कूल बनवाया और इस स्कूल में 19 क्लासरूम बनवाए। हर एक क्लासरूम में कंप्यूटर की व्यवस्था है। स्कूल में आने वाले सभी विद्यार्थियों को यूनिफॉर्म भी मिलता है। बारिश के मौसम में रेनकोट भी देते हैं। द लॉजिक इज, इस बारिश के मौसम में जिस जिले के सभी सरकारी स्कूलों के छत लीक होते हैं, लेकिन आपके स्कूल का छत बिल्कुल भी लीक नहीं होता। मतलब कितनी अच्छी तरह से आपकी बिल्डिंग की रूफिंग हुई है, सच है ना? जी सर। सीमेंट की कितनी बोरियां इस्तेमाल की, लोहे पर कितना खर्च हुआ, एक एक कंप्यूटर 35,000 का है तो टोटल इन्वेस्टमेंट कितना हुआ? मिस्टर दयानायक, आपको मिलने वाली तनख्वाह के जरिए इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट आप कर ही नहीं सकते। कहां से आया इतना पैसा? आपके कहां कहां कनेक्शन थे? किस तरह आपने यह अमाउंट खड़ा किया? वो कोई और नहीं है, आपको मानने वाले पत्रकारों ने ही बताया है कि आपके स्कूल में करीब 1 करोड़ से ऊपर पैसा लगा है। इतने पैसे आए कहां से? आपके और अंडरवर्ल्ड के बीच में कोई संबंध है क्या? क्या ये पैसा माफिया के थ्रू ही आया है? मिस्टर दयानायक, आप पर लगे आरोप विधानमंडल में पत्रिकाओं में तहलका मचा चुकी हैं और सरकार शर्मिंदा हो चुकी है। कदम कदम पर आपका हौसला बढ़ाने वाले गृहमंत्री जी को हर एक बात का जवाब देना पड़ रहा है। सबसे जरूरी है आपके माफिया से कनेक्शंस। अंडरवर्ल्ड के जरिए आपने बहुत पैसा कमाया है, और तो और दुबई में बैठकर माफिया को कंट्रोल करने वाले यूसुफ खलील से करोड़ों रुपए पाए, यही सबसे बड़ा आरोप है आप पर। सर, मुझे पुलिस डिपार्टमेंट ज्वाइन हुए 8 साल हो गए, क्रिमिनल इंटेलिजेंस यूनिट ज्वाइन हुए 5 साल हो गए। मैंने आज तक हैंडल किया है सिर्फ अंडरवर्ल्ड के लोगों को, अब तक 80 एनकाउंटर कर चुका हूं। सर, आपने अभी बताया यूसुफ खलील, उसका राइट हैंड अशोक नायक का मैंने ही एनकाउंटर किया था सर, एंड आई शॉट रिजवान। इससे पहले सालदार एंटनी डिकोस्टा, टोपी वाला, इन सब का मैंने ही एनकाउंटर किया था सर। ये सब यूसुफ खलील के आदमी थे, इनको मारने का इनाम मुझे सरकार ने दिया सर। यूसुफ खलील ने नहीं, उनके ही आदमी को मारने के लिए वो भला मुझे पैसा क्यों देगा सर? मिस्टर नायक, कम टू द पॉइंट। सर, अगर मैं उससे दोस्ती निभाता तो मुझे बेशुमार दौलत देता, मगर मैं सड़कों का चप्पा चप्पा छान मार के उसके लोगों को मार डाला, अपनी परवाह ना की, फर्ज निभाया, और आज मेरी मां और पत्नी दोनों की जान को खतरा है सर। मिस्टर नायक, हम उस इन्वेस्टमेंट के बारे में पूछ रहे हैं। इन्वेस्टमेंट? किस पर इन्वेस्ट किया है सर? मैंने बंगला बनाया है क्या, रिसोर्ट बनाया है क्या, या किसी मल्टीनेशनल कंपनी के शेयर परचेज किया मैंने? हमारे गांव के गरीब बच्चों के लिए एक स्कूल बनाकर गवर्नमेंट को हैंडओवर कर दिया सर, क्या यह गलत है? और अगर यह गलत है तो इस गलती के पीछे एक बड़ी वजह है सर। माँ, मुझे पढ़ना है माँ। नहीं बेटा, ये हमारे बस की बात नहीं, मेरे साथ काम पर लग जा, क्योंकि पूरा दिन मेहनत करने पर भी मुझे सिर्फ 15 रुपए मिलते हैं, ऐसे में तुझे कैसे पढ़ाऊँ? साथ में काम करोगे तो पेट भरेगा। नहीं माँ, मुझे पढ़ना है, मेरे दोस्त सब हाई स्कूल जा रहे हैं, मैं भी जाऊँगा। क्या लगा के रखा है तूने? क्या पढ़ेगा तू? यहाँ खाने को नहीं है और तुझे पढ़ना है, पढ़ना है। जा कहीं जाके मर जा, अभी बता दे मुझे, मर जा, पढ़ना, जा कहीं जाके मर जा। सातवीं कक्षा पार होते ही आगे पढ़ने की इच्छा
लेकिन मेरे येनाहोल गांव में हाई स्कूल नहीं था। उसके लिए 20 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था बस से। गरीब ने पढ़ने का मौका नहीं दिया, इसी वजह से मेरे दोस्त ने कुएं में कूदकर आत्महत्या कर ली। लक्ष्मी बहन, तुम्हारा बेटा कुएं में कूदकर मर गया। अपने बेटे की मौत की खबर सुनकर उस माँ ने भी खुद को जलाकर मार। उस हादसे को मैंने अपनी आंखों से देखा। मेरी मां पर यह नौबत ना आए, मैं अनपढ़ नहीं रह जाऊं ये सोचकर घर छोड़कर गांव छोड़कर बस में बैठकर मैंगलोर चला। ओम भूर्भुवस्वः सुवितुवायिनि भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। ए किरण, टेबल साफ करो, ग्राहकों के आने का समय हो गया है। ए रामू, जल्दी से कप साफ कर। ओम भूर्भुवस्वः सुवितुवायिनि भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः सुवितुवायिनि भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः। मां, कौन है तू? यहाँ पर क्यों सोया था? मुझे बहुत भूख लगी है, पहले खाने को कुछ दीजिए, बाद में बताऊंगा। स्कूल छोड़कर आए हो तुम? मुझे पढ़ने की बहुत इच्छा है, मैं येन्ने होले से घर से भागकर आया हूँ। मुझे कोई भी काम देंगे मैं करूँगा, मुझे भूख लगी है, क्या आप मुझे कुछ खाने को देंगे? ठीक है, पहले बोनी होने दे, बाद में तू कुछ खा लेना। वहां एक होटल मालिक ने मुझे पनाह दी। आराम से। उन्होंने मुझे पेट भरकर खाना खिलाया। मैं दिन भर काम करता था, मेरे साथ के बच्चे रात को सो जाते थे और मैं पढ़ता था। नमस्कार। ए दया, साहब को एक कड़क चाय दे। महात्मा गांधी जी का हर कदम अंग्रेजों पर भारी पड़ने लगा और अंग्रेज नाकाम होते गए। एक पुलिस इंस्पेक्टर प्रकाश हेगड़े जी चाय पीने के लिए उस होटल में आए। मैंने पढ़ाई के धुन में चाय उनके वर्दी पर गिरा दी। तब होटल का मालिक मुझे मारने चला आया। इंस्पेक्टर साहब ने उन्हें रोका और मुझे अपने पास बुलाकर मेरा नाम पूछा और मुझे प्यार से अंदर भेजा। जाओ बेटा, जाओ। कौन है ये लड़का? पढ़ने की इच्छा से घर से भागकर यहाँ पर आ गया है। मुझसे कहने लगा मुझे कोई भी काम दे दो, मुझे पढ़ना है बस। यहाँ पर क्लीनर का काम करता है और रात को पढ़ाई भी करता है। गुड, इतनी छोटी सी उम्र में पढ़ने की कितनी इच्छा है उसे। राव जी, एक काम कीजिए, वो जितना पढ़ना चाहता है उसे पढ़ाइए, उसके कपड़े उसके पढ़ाई का खर्चा मैं दूंगा। ठीक है साहब, आप जैसा कहें। वो मेरी जिंदगी में भगवान बनकर आया, मेरे पिता मेरी माँ बनकर। उन्होंने मेरी परवरिश की, जो तकलीफ मैंने सही वो मेरे गांव के बच्चे ना सहे, इसलिए मैंने अपने गांव में हाई स्कूल बनवाया। स्कूल बनवाने की वजह जाननी थी ना, यही है वजह। वो स्कूल भी मेरा नहीं है, उसे बनाकर सरकार के हवाले किया है। अगर उस पर मेरा कोई स्वार्थ है तो वो ये है कि उस स्कूल पर मेरी माँ का नाम, इतना ही सर। अगर ये भी गलत है तो उस नाम को हटा दीजिए, हटा दीजिए सर। ओए इंस्पेक्टर, अपनी माँ का सेंटीमेंट बताकर हमें मेगा सीरियल मत दिखा, ये बता पैसे कहां से आए? हाँ सर, यहां है हिसाब। एक एक एनकाउंटर करने पर मुझे स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट ने रिवार्ड दिया है, हर एक का हिसाब है इसमें है सर। सर, किसी के बच्चे को बचाने के लिए तो किसी की जान बचाने के लिए, अपने खुशी से इस स्कूल को बनाने के लिए उन सभी ने सहायता की। इसमें पाप का पैसा एक फूटी कौड़ी भी नहीं है सर। मिस्टर दयानायक,
आपका बयान समाज के प्रति आपकी जिम्मेदारियों से हम सब सहमत हैं। आपकी जाती जिंदगी के बारे में हम सब समझ सकते हैं। सरकार को चलाने वाले हम 25 बार मीटिंग करके 50 इंजीनियर्स को अपॉइंट करके एक छोटा सा साधन तैयार करते हैं और आपने एक दक्षा अधिकारी होकर समाज के प्रति इतनी प्रतिष्ठा रखने वाले आपने इतने अच्छे काम को अंजाम दिया है। जो काम सरकार को करना चाहिए था वो आपने किया है। तुम्हारा बयान सुनने के बाद इस चर्चा के हमारे मुख्य अधिकारी हमारे न्यायाधीश आपके जज्बातों को समझते होंगे ऐसा मैं समझता हूं। क्रिमिनल इंटेलिजेंस यूनिट में काम करने वाले इंस्पेक्टर दयानायक का पेश किया गया बयान, दिखाए गए सबूत और सारा हिसाब सभी सच साबित होने के कारण उनका सस्पेंशन ऑर्डर रद्द करवाकर उन्हें सारे आरोपों से बाइज्जत बरी किया जाए, ऐसी मेरी सरकार से दरख्वास्त है। सर आप फिक्र मत कीजिए, अगली बार उसे सही सबक सिखाऊंगा। अपनी कैप उतार। मुझे तो सीख मिल चुकी है, अब तू भी सीख ले। हेलो, कौन? नमस्कार मैडम, मैं दुबई से खलील भाई का आदमी बोल रहा हूँ। जब भी आपके पति फोन उठाते हैं, ए खलील, तुझे इनकाउंटर कर दूंगा बोलते हैं। किस बात का इतना गुस्सा है? थोड़ा उन्हें डांटिए, बिठा कर समझाइए, कहिए कि खलील भाई से पंगा नहीं लेने का, उनसे दोस्ती करने का। आपको भी चार पैसे मिलेंगे तो मजे से रह सकते हैं ना। ये लो भाई, बात करेंगे। भाई लाइन पे है। हेलो, तू मर्द ही है ना? क्या? मुझे थोड़ा शक हो रहा है। क्या बोली तू? ओहो, शायद तुमने सुना नहीं। तू मर्द है क्या? तेरे तो इफ यू हैव गट्स, दया नायक के सामने आकर बात कर, उनसे आंख मिलाकर बात कर, तभी मैं मान सकती हूँ कि तुम एक मर्द हो। तेरी खुद को अंडरवर्ल्ड डॉन समझते हो और तू को फोन करके डराते हो? मैं दया नायक की बीवी हूँ, तुम जैसे गीदड़ से डरूंगी नहीं। दयानायक के घर में लेडीज भी मर्द जैसी बात करती है। ये दयानायक का कोई तो वीकनेस होगा। है ना भाई, उसका एक लंगोटिया यार है शरद चंद्र, जिगरी यार है भाई उसका, यही है वो। लेकर तो वापस लौटाना भूल ही गए शरद भाई। अगर उसे वक्त पर पैसे नहीं मिले तो क्या वो आपको छोड़ देगा? वहीं से अगर उसने इशारा किया ना तो यहाँ तुम्हारी लाश गिरेगी, लाश। काजी भाई, वहाँ दुबई में मेरा एक एक रुपया चला गया और 75 लाख मैं कहाँ से लाऊंगा? ये बताने के लिए तूने मुझे वहाँ से यहाँ बुलाया साले? ए, ए, छोड़ छोड़ उसे, उसे मारने से तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे क्या? ऐसी बात नहीं है खलील भाई। चुप चुप, उसको समझाना पड़ेगा। शरद मेरे साथ आ तू, और काजी तू इधर ही रुकना। ठीक है भाई। खलील भाई, बहुत परेशानी में हूँ। मैं भी बहुत परेशानी में हूँ शरद भाई, तुम्हारा हेल्प मांगता है इस खलील भाई को। आप हुक्म कीजिए, मैं अपनी जान दे दूंगा। जान लेनी होगी तुम्हारे चड्डी दोस्त दया नायक। खलील भाई, तुम्हें दिया हुआ 75 लाख माफ किया, सच्ची
और 50 लाख भी दूंगा हार्ड कैश। जा उड़ा डाल अपने दोस्त को। खलील भाई आप क्या कह रहे हैं मैं समझा नहीं। सिंपल, उसे बोल दो कि वो मेरे रास्ते में ना आए, मेरे आदमियों को ना छुए। पैसा मांगता है पैसा दूंगा। दूसरे देश जाना है क्या पूछ उसे, मैं अरेंज कर दूंगा। मैं उसे ये सब नहीं कह पाऊंगा खलील भाई। नहीं होगा नहीं होगा नहीं होगा, तुम बात नहीं कर पाओगे ये जानता था मैं, इसलिए ये देख इसे लाया हूँ। टाइम वेस्ट मत कर, इसे कनपट्टी पर रख और ट्रिगर दबा दे, बस एक शॉट। दोस्त दोस्त ना रहा, प्यार प्यार ना रहा। बाद में तुम्हारी जिम्मेदारी मेरी। ओके याद रख शरद, मुझे मेरा कैश मांगता है या दया की लाश मांगता है, दोनों नहीं मिला तो तेरी लाश खिला दूंगा। सोच लो शरद मियां। खुदा दया। क्या बात है। आइए नमस्ते नमस्ते आइए। मैं यहाँ देखती हूँ, तुम शुरू करो जाओ। ठीक है। क्या रे क्या हुआ? कुछ नहीं, मेरा सर दर्द कर। ठीक हो जाएगा सब। थैंक यू भाभी। कितनी सुंदर लग रही है। हाँ बहुत खूबसूरत। डोंट वरी मैं देखता हूं। शेरो शेरो कहां गया शेरो? हे शेरो क्या हुआ? शेरो क्या हुआ? कुछ नहीं। देख वहां देख। शेरू
स्टॉप इट शेरू। दिमाग खराब है तुम्हारा? तुम्हारी पत्नी प्रेग्नेंट हुई है, एक नई जान को दुनिया में ला रही है और तुम यहाँ आत्महत्या कर रहे हो? क्या हुआ है तुम्हें? अगर आत्महत्या नहीं करूंगा तो मुझे खून करना पड़ेगा दया, वो भी किसी और का नहीं, तुम्हारा खून करना पड़ेगा। क्या? तुम्हें मेरा खून करना पड़ेगा? ए शेरू, सच बोल, क्या चल रहा है? तुम्हें कौन कांटेक्ट कर रहा है? तुम पर कौन प्रेशर डाल रहा है? बताओ बताओ, तुम मुझसे क्या छुपा रहे हो? हाँ, सब बताता हूँ दया, मेरा सबसे अच्छा दोस्त है तू, मैं तुझसे कुछ नहीं छुपा सकता, सब बताऊंगा। मैं एक बहुत बड़ी साजिश में फंस गया हूँ दया, यूसुफ खलील मेरी जान के साथ गंदा खेल खेल रहा है। उसने कहा दयानायक से कहो मेरे आदमियों के बीच ना आए, और अगर नहीं मानता है तो उसे मार डालो कह रहा है। कैसे मारूं दया? ए शेरू, तू ये पागलपन की हरकत क्यों कर रहा है? पगले, आखिर इस जहां में तुमसे अजीज और कौन है मेरा? तुम्हारे लिए एक छोटा सा समझौता नहीं कर सकता क्या मैं? कम ऑन, खलील को फोन कर, उससे मैं बात करता हूं। खलील से बात करना? नहीं दया, उसे मैं क्या बताऊं? देख शेरू, मेरे मन की बात बता रहा हूं, उसे फोन लगा दो, मैं कॉम्प्रोमाइज करने के लिए रेडी हूं, दोस्ती के लिए कुछ भी कर सकता हूं यार। दया, ये क्या कह रहा है तू? तू तू खलील से कॉम्प्रोमाइज करेगा क्या? फ्रस्ट्रेटेड, यस आई एम फ्रस्ट्रेटेड, ऊब चुका हूं मैं इस डिपार्टमेंट से, खून करने की नौकरी से, हर दिन एक एनकाउंटर, बस बहुत हो गया। इतनी ईमानदारी से करने पर भी मुझे मिला क्या? नथिंग, बुलशिट। हर घड़ी मुझे दोषी ठहराती रही है ये सरकार, हमेशा जलील होता रहूं मैं, ये तुम्हारी समझ में नहीं आएगा। चल फोन कर, डाल कर, मैं बात करता हूं। नहीं दया, तू फिर बदनाम हो जाएगा। शेरू, बातें बहुत हो गई, जो कह रहा हूं वो कर, जस्ट पुट ऑन द लाइन। ए कादिर, मैं दयानायक बोल रहा हूं रे। क्या दयानायक बोल रहा है? शेरू ने मुझे सारी बातें बताती है, मंजूर है मुझे, तुम्हारी सारी शर्तें मंजूर है मुझे, मुझे कहां आना है सिर्फ वो बता। उस खलील से पूछना चाहता तो पूछ। दयानायक है ना? मेरा नाम लेकर इस जगह में दूसरा कौन बात करेगा रे? खलील को फोन दे, चल। एक मिनट दया। नमस्कार साहेब, मुझे मालूम था कि आप फोन करोगे, मगर इतनी जल्दी मेरी शर्तें मान जाओगे मैंने सोचा नहीं था। ये नाटक तो नहीं है ना? ये नाटक नहीं है रे, बता मैं कहां आकर मिलूं तुझसे? अगर शान पत्ती दिखाने की कोशिश की तो तेरा दोस्त खाली पुकड़ मारा जाएगा। मुझे येड़ा समझ रखा है क्या? बहुत हो गई तेरे साथ दुश्मनी रे, अब इस्तीफा देकर गांव चला जाऊंगा। ठीक है। दया, तुम गलत कर रहे हो, गुस्से को खुद पर हावी मत होने दो, अपना ये रेजिग्नेशन लेटर वापस ले लो। सॉरी सर, मैं अपना फैसला नहीं बदल सकता। प्लीज एक्सेप्ट इट। ऑल राइट, गुड बाय। थैंक यू सर। मिस्टर दयानायक, हमने जो सुना क्या वो सच है? हाँ, मैंने इस्तीफा दिया है सर। इस्तीफा देने की वजह क्या? चैन की जिंदगी जीना चाहता हूँ मैं। इतने दिन डिपार्टमेंट में चैन नहीं मिला था? चैन नाम का शब्द वक्त वक्त पर यहाँ बदलता रहता है। सरकार ने कभी आपको प्रोत्साहन नहीं दिया? हाँ, तनख्वाह देते थे ये लोग। सर, कहीं अंडरवर्ल्ड की धमकी से ये फैसला तो नहीं किया ना? मेरा नाम दया है, दयानायक। अंडरवर्ल्ड के साथ कोई समझौता हुआ है क्या? दयानायक। सर, आपके राजीनामे के फैसले से आपके सीनियर ऑफिसर का क्या कहना है? ये सवाल आप उनसे कीजिए। आप आगे क्या करेंगे? चैन से रहूंगा मैं। क्या अंडरवर्ल्ड आपको ऐसे ही छोड़ देगा? अंडरवर्ल्ड भी अच्छी तरह जानता है। आई एम दया। सर, आप अपने चाहने वालों के लिए कोई संदेश देना चाहेंगे क्या? आई एम दयानायक। सर, आपने अब तक कितने एनकाउंटर किए हैं? ये आप डिपार्टमेंट से पूछे। दयानायक जी, आप शादी के बाद इतने सॉफ्ट क्यों हो गए? नो पर्सनल क्वेश्चंस प्लीज। ऑटो। बाय गाइस। इंस्पेक्टर दयानायक ने इस्तीफा देकर हेलो खलील भाई, जो आपने कहा वो सच हुआ, दयानायक ने पुलिस डिपार्टमेंट को राजीनामा दे दिया
He is out from our department. Department से नहीं, दुनिया से उड़ा देना, पूरे खानदान को उड़ा देना। उस धमाके की गूंज दुबई में मेरे मोबाइल पर सुनाई देनी चाहिए। आधे दिन की मोहलत दीजिए मुझे खलील भाई। दयानायक का नामो निशान मैं हमेशा के लिए मिटा दूंगा। अरेल भाई, लास्टिंग आवाज सुना क्या? क्या? दयानायक के पूरे खानदान को उड़ा दिया। मुबारक, मुबारक हो पुनाचा साहब। थैंक यू। खलील भाई, शानदार पार्टी करो। अब मैं अकेला बचा। मौज उड़ाना। Hurry!
छलक छलक जाता तेरे हुस्न का ये प्याला, दिल मन में रहे कैसे मैं हो गया मत वाला। हो महबूबा, हो महबूबा, हो महबूबा, हो महबूबा। खलील मैं दयानायक बोल, इंडिया में मरकर दुबई में जिंदा हुआ और तुम्हारी मौत मरकर तुम्हारे देश में, और बस 10 मिनट के अंदर तुम्हारे सामने रहूं। तू जिंदा है? हाँ रे, साफ। हट। आ गया वो। कौन भाई? दयानायक, ढूंढो उसे। होटल में भी नहीं है भाई। ढूंढो साले को। हाँ बोल। खलील भाई वो मीना बाजार में भी नहीं है। अच्छी तरह से ढूंढा क्या? ढूंढो उस कुत्ते को। बीच के आसपास भी नहीं है। क्या तुम 20-25 लोग झक मार रहे हो उस अकेले को ढूंढने में? इधर आ गया है वो। नहीं छोड़ना उस कुत्ते को। मार दो उस कुत्ते को। अक्का दुबई छान मारो। नाक में दम कर रखा है साले कुत्ते की औलाद ने। साला बाजू में तेरी तो। ए गाड़ी घुमा, इसको पकड़ना है, चल। रोक साले, गाड़ी रोक। ए रोक, रोक, रोक। ए रोक साले। मैं कहता हूँ भाई को छोड़, गाड़ी रोक। सांसों को यही रोकूंगा। नहीं, साले मेरे इलाके में मुझे मारेगा। साले गाड़ी रोक, तेरी तो गाड़ी रोक, मैं कहता हूँ गाड़ी रोक, रोक साले।
दयानायक गाड़ी रोक, रोक, रोक गाड़ी रोक साले। अब उठे, गाड़ी रोक साले, उठते हैं। मेरी फैमिली को ब्लास्ट में मारेगा। हे, क्या समझा तूने? हाँ, दुबई में बैठकर इंडिया पर राज करेगा। कुत्ते, तेरी गाड़ी को बॉम्ब से उड़ाएगा साले। साला, मार डालूंगा तुझे। हे, देख देख, देख, ठीक तरह से देखे। ये तेरा ही मुल्क है ना? तेरी ही धरती है ना ये? खाकी वर्दी वाले से मुझे मरवाएगा? बेईमान को मैंने मार दिया रे, अब किसे बुलाएगा तू? बुला। इस दयानायक के हाथ से कई डॉन मर चुके हैं रे, तेरे ही मुल्क में आज तुझे मैं खत्म करूंगा। खुद को बचा सकता है तो बचा ले। बुला अपने आदमियों को, बुला। तुझे नहीं पता मैंने इस्तीफा क्यों दिया? ये तो मेरी और मेरी सरकार का एक प्लान था रे। अब मर साले मर। फोन पर धमका देगा तू। मेरे ही दोस्त के हाथों कंधे कर मुझे मरवाएगा तू साले। शांतपति साले, मेरे से शांतपति। खलील को मारेगा? Allah, Allah, Allah.
जीत गया साला।